Hi everyone, my name is Tamana Chaudhary. Welcome to my channel. I am a physics educator on An Academy for Neet ug और ये एक छोटा सा वीडियो है जो टारगेट करता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जिसमें हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप की कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और टेलीस्कोप की तो नीट के एग्जाम में पाँच दिन रह गए हैं लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप समझिए ना इसको मैं आधे घंटे में तुम लोगों को खत्म करवा सकती हूँ बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन इंक्लूडेड आई कैन मेक दिस क्वेश्चन आई कैन मेक दिस कंसेप्ट बी यू नो ड्रिल्ड इन साइड योर माइंड इन ओनली थर्टी मिनट्स बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि देर इज देर वॉज वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक ही साल में से दो क्वेश्चन आए हुए थे सो लेट इज नॉट मिस दैट ओके तो ये फटाफट से आधे घंटे में कंप्लीट करते हैं बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे एंड यू कैन लीव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन दी कमेंट सेक्शन ठीक है बाकी 2022 ट्वेंटी के लिए मेरा जो ईयर लॉन्ग बैच है मान लो अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ना चाहता है बिल्कुल ईयर लॉन्ग बेसिस पे डिटेल तरीके से तो इट इज़ बिगिनिंग फ्रॉम सेवनटीन ऑफ सेप्टेंबर सो यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी प्लस फॉर दैट लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन चल तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास को लेट लेटेस्ट टॉक अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप तो डोंट वरी दी डायग्राम्स कुछ डायग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं ताकि स्क्रीन टाइम तुम लोगों के लिए कम हो जाए तो ताकि स्क्रीन टाइम कम हो जाए मुझे पीछे से एक और एक और आधा घंटा लगाना पड़े बट ये साफ़ सुथरे डायग्राम्स है मज़ा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर तुम कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प ले रहे हो कि तुम्हें एक ऑब्जेक्ट मैग्निफाई होके नजर आए तो मैग्निफाई होके अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एक ऑब्जेक्ट नजर आए तो ही बात है वो ऑब्जेक्ट तुम चाहोगे सीधा नजर आए सो इन कॉन्वेक्स लेंस देर इज ओनली वन प्रोबेबिलिटी व्हेन एन इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्मड of an object by the convex lens that is when the object is placed between the focal a uh, focal length uh, or between the focus and the optical center of the lens to ye mere paas is tarike se maan lo ye mere paas convex lens hai jaise ki aap abhi screen ke upar dekh pa rahe ये इसका optical center है मान लो ये इसकी focal length है ठीक है तो इन दोनों के बीच में कभी भी मैं object को रख दूं तो मुझे अच्छे से पता है virtual erect और magnified image हम लोगों को मिलती है तो और मान लो अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को अभी अगर मैं फोकस के ऊपर रख देती हूँ सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन अब के मुझे जो इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर मिलेगी ठीक है सो दीज आर दी टू केसेस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ मैग्निफिकेशन के ऊपर पूछे जाते हैं

ऐट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो 25 सेंटीमीटर होता है तो अगर किसी बच्चे को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब नहीं पता तो समझो इस चीज को मान लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ अब मैं इसको अपनी आंखों के पास लाती रहू लाती रहू लाती रहू एक मिनिमम डिस्टेंस कि अगर उससे भी ज्यादा पास में मैं ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के ले आती हूँ तो मुझे वो ऑब्जेक्ट धुंधला नजर आने लग जाएगा सो दिस मिनिमम डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट और आइज के बीच में होना चाहिए अगर आप उस ऑब्जेक्ट uh, की इमेज साफ सुथरी चाहते हैं एक शार्प इमेज चाहते हैं स इज लीस्ट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग जिसकी वैल्यू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होती है यहां पर पहले वाले इमेज इज फॉर्मड एट लीस्टेंस ऑफ डिस्टिंग टीजन और दूसरे वाले केस में क्या हो रहे हैं दूसरे वाले केस में जब तुमने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख दिया तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी यही दो केसेज है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो अगर मान लो मैं पहले वाले केस की बात करूं तो मैग्निफिकेशन को कैसे लिखूंगी एक बार सोचो ना मैग्निफिकेशन बी रिटर्न टूटेडेड बाई माइनस यू तो ये वाली वैल्यू मेरे पास सिंपली सिंपली कितनी गई ये वाली वैल्यू आगे बच्चों मेरे D U. अभी, formula, तो अगर मुझे थिन लेंस फॉर्मूला पता है तो मैं वन बाई यू को भी तो सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ वन बाई यू की मेरे पास सब्सटीट्यूशन कितनी आ जाएगी इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वन बाई एफ प्लस वन बाई वी दिस गिव्स यू द दैग्निफिकेशन खत्म सिंपल माइक्रोस्कोप खत्म सिंपल माइक्रोस्कोप दिस इज दैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप तो अभी ये देखो ये जो मेरे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया है दैट मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस विच इज हेल्पिंग इन मैग्निफाइंग एन इमेज ठीक है ये मेरे पास फॉर्मूला क्या आया है ये मेरे पास फॉर्मूला आया है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मल्टीप्लाइड बाय वन बाय एफ प्लस वन बाय वी एक बार जरा सा देखिए दिस इज द मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी मान लो अगर तुम्हारे पास जो इमेज है इन्फिनिटी के ऊपर बन जाए मतलब वी की वैल्यू तुम्हारे पास इनफाइनाइट आ जाएगी ये वाले केस में तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन जो होगा इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एफ ठीक है ये वाले केस में द मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप विल बी इक्वल टू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ और मान लो अगर तुम्हारे पास जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है तो वी की वैल्यू तुम्हें डी पुट करनी पड़ेगी तो ये वाले केस में तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डी डिवाइडेड बाय एफ प्लस वन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पा रहे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछा जाता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप जब इमेज तुम्हारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितनी मैग्निफिकेशन है जब इमेज इंफिनिटी के ऊपर बनेगी प्लस वन तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में भी बात करते हैं तो देखो ये तो था बच्चों तुम्हारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप ठीक है तो सिंपल माइक्रोस्कोप में तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस था वो कॉन्वेक्स लेंस एक बढ़िया सी एंड इमेज बना रहा था ठीक है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग भी बना सकता है ठीक है और उसी तरीके से वो इंफिनिटी के ऊपर भी बना सकता है तो बच्चों एक ऐसी इमेज बनाते हैं हाँ जी मान लो अभी अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं तो सिंपल माइक्रोस्कोप कैसी इमेज बनाते हैं बिल्कुल दाल खिचड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा मैं इजी तरीके से इसको समझाना चाहती हूँ क्योंकि डुएबल है सिंपल माइक्रोस्कोप कैसी इमेज बनाता है वर्चुअल इरेक्ट और एन लास्ट वर्चुअल, इरेक्ट और तो अभी दिक्कत ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप से तुम ज्यादा से ज्यादा नौ की मैग्निफिकेशन क्रिएट कर सकते हो ठीक है? ज्यादा से ज्यादा नौ की मैग्निफिकेशन क्रिएट कर सकते हो लेकिन इंसान इंसान में चुल ज्यादा होती है ठीक है तो जब तक तुम्हें मैग्निफिकेशन नौ से कम चाहिए तुम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करोगे लेकिन जब तुम्हारी अंदर इतनी चुल आ गई कि नहीं यार नौ से तो काम ही नहीं चल रहा हमें तो मैग्निफिकेशन नौ से ज्यादा चाहिए तब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा तो अभी समझो ना मान लो कि कंपाउंड माइक्रो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस था एक लेंस नौ से ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाया तो दो लेंस ले Maybe दोनों का कॉम्बिनेशन नौ से ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर पाए दिस इज सो लॉजिकल So लेके गए, तुम तुम ले गए लेकिन जो तुम्हें सामान खरीदना है वो दस रुपए से ज्यादा का है तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें दस रुपए के अगर तुम दो नोट ले लो तो देर इज अ probability ना कि यू विल बी एबल टू पे फॉर फॉर दैट ऑब्जेक्ट आव, तो एक कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ नौ की मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर पा रहा है अभी अगर तुम चाहते हो कि उससे ज्यादा की मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो तो तुम्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए होगा जिसमें दो लेंसेज होंगे एक लेंस नौ, नौ या फिर नौ से कम का मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगी और दूसरी वाली जो तुम्हारी लेंस है वो इसको और एम्पलीफाई कर देगी है कि नहीं तो यहां पर तुम्हारे पास दो लेंसेज होती हैं दोनों के बारे में जरा सा मैं तुम लोगों को बताती हूँ बच्चों एक तो हो जाती है तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है ऑब्जेक्टिव लेंस कौन है बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस वो है जो ऑब्जेक्ट के पास में होगी ठीक है और एक हो जाती है तुम्हारे पास आई आई लेंस लेंस वो होगी जो तुम्हारे पास होगी नियर यू ठीक है गॉट इट तो ऑब्जेक्टिव लेंस इज गोइंग टू बी नियर द ऑब्जेक्ट आई लेंस इज गोइंग टू बी नियर द आईज अभी ये जो तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है बच्चों ये ऑब्जेक्टिव लेंस एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है ध्यान से देखा ये ऑब्जेक्टिव लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है जो लेंस जिसको वर्चुअल और एनलार्ज इमेज में कन्वर्ट कर देता है समझते हैं इसको डिटेलिंग में समझते हैं डोंट वरी एट ऑल कुछ भी दिमाग के ऊपर से नहीं जाएगा मान लो ये तुम्हारे पास इस तरीके से ऑब्जेक्टिव था ठीक है अभी तुम एक एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस कराना चाहते हो लेकिन दैट शुड बी रियल तो ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाइ करना चाहिए तो मान लो ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पर लाई कर रहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाइ कर रहे तो दूसरी साइड तुम देख पा रहे हो रियल इन्वर्टेड और एनलाज इमेज बन जाएगी है ना रियल इन्वर्टेड और एनलाज इमेज बन जाएगी अभी ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के वजह से बनी है वो आइलैंड्स की तरह की का ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द दम्बिनेशन ऑफ मिरर्स और द देशन ऑफ लेंसेज और द ऑफ एंड मिरर्स कि पहले वाला जो तुम्हारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो इमेज बनाएगा इसकी इमेज दूसरे वाले के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा फिर अगर ये इमेज बनाएगा तो इसकी इमेज तीसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ना दैट द इमेज फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज फॉर दी ऑब्जेक्टिव लेंस इज बिहेविंग एज ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस तो अभी जो यहाँ पर इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से वो आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी ठीक है अभी देखो वर्चुअल इमेज बनाएगा आईलेंस क्योंकि आईलेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करते हैं तो अगर तुम चाहते हो आईलेंस एक वर्चुअल इमेज बनाए तो तुम्हें इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा ना इन द लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस की, की वजह से बन रही है जो लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में लाई करे सेम कंसेप्ट जो मैंने तुम लोगों को सिंपल माइक्रोस्कोप में कराया तो अभी ये जो आइलेंस है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा सिंपल माइक्रोस्कोप में भी यही होता है ना कि तुम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हो ताकि एक वर्चुअल एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस हो सके तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आया तो ऑब्जेक्टिव ने इमेज uh, को रियल बनाया और थोड़ा सा एनलार्ज किया अब बाद में ये आईलेंस इस ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव की वजह से बनी है उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हुए एक वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनाएगा तो दोनों का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इट इज सो सिमिलर कि मान लो मैं तुम्हें तो मैं बोलूँ कि यार आज मेरे पैसे डबल हो गए कल मैं बोलूँ यार आज मेरे पैसे ट्रिपल हो गए मतलब दो दिन में, में मेरे पैसे सिक्स टाइम्स हो गए फाइव टाइम्स नहीं हुए के मान लो मेरे पास दो रुपए हैं मैं बोल रही हूँ मेरे पास दो रुपए हैं याद रखना है, मेरे पास दो रुपए हैं अभी मैं आज बोल रही हूँ मेरे पैसे डबल हो गए मतलब चार हो गए कल मैं बोल रही हूँ मेरे पैसे ट्रिपल हो गए मतलब बारह हो गए तो दो से बारह तक जब तुम जा रहे हो मल्टीप्लाइड बाय सिक्स कर रहे हो ना तो मैं इस सेम लॉजिक को क्यों नहीं लगा सकते यहाँ पर वाई डज फिजिक्स हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड इट इज नॉट नॉट कैन आई से दैट द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाई द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस आओ जरा सा इस पर्टिकुलर uh, फिगर को थोड़ा सा और समझते हैं तो ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस था तुमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज गोइंग टू बी द इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस बच्चों उसी तरीके से अभी अगर मैं आइलैंड्स के लिए बात करती हूँ तो आइलैंड्स के लिए देखो आइलैंड्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये जो तुम्हारे पास इमेज बनी है दिस इमेज इज गोइंग टू मतलब दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द इमेज डिस्टेंस है कि नहीं तो मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगी वी ओ डिड बाई यू ओ विच इज द इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है और सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन ये होती है जो कि जस्ट अभी के अभी हमने डिस्कस की है. तो ये मेरे पास मैग्निफिकेशन का आ गया इज दिस सॉल्व ऑन इट डोंट वरी फॉर्मूलास मैं लेके आई हूँ बट ये इतना ईजी है तो मेरे पास क्या आया ध्यान से देखिएगा मेरे पास क्या आया मान लो अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए सिंपल फॉर्मूला है तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द इमेज डिस्टेंस आई लेंस इज बिहेविंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रो माइक्रोस्कोप के मैग्फिकेशन की वैल्यू कितनी होती है सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है तुम्हारे पास ये सो दिस गिव्स यू द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो ये तो हमने वो वाला केस लिया था जब तुम्हारे पास इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है वो वाला कंसेप्ट लेके हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया अभी इस जनरल फॉर्मूला को मैं दो केसेस के फॉर्म में एम्पलीफाई करूंगी कि मान लो अगर तुम्हारे पास इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो तुम्हारे पास सॉरी uh, वी की वैल्यू तुम्हारे पास इन्फाइट हो जाएगी तो ये वाले केस में मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई एफ ई उसी तरीके से अगर तुम्हारे पास जो इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे बन रही है तो वी की वैल्यू आगे डी तो मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई एफ ई प्लस वन दिस सम्स अप योर सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप आओ इसके ऊपर क्वेश्चन करें ताकि तुम लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ यार क्वेश्चन तो बन रहे हैं पहला क्वेश्चन देखो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस तो अगर पहले कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो बाद में कॉन्फिडेंस आएगा लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा तो so, क्वेश्चन क्या है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस आर वन सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर अगर मैग्निफाइंग पावर रिलैक्स्ड आई के लिए 45 है सो व्हाट इज लेंथ ऑफ द ट्यूब तो अभी समझो ना लेटे लेट मी कमेंट ऑन लेंथ ऑफ द ट्यूब अगर तुम्हारे पास इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है ना तो सी बात है कि अगर तुम्हारे पास इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो ये मान लो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये तुम्हारे पास आई लेंस है तो अगर तुम्हारी इमेज इंफिनिटी के ऊपर बन रही है तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ ई है ना क्योंकि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट आई लेंस के फोकस के ऊपर होगा तभी आई लेंस उसकी इमेज को इन्फिनिटी के ऊपर बनाएगा तो ये वाले केस में अगर मुझे लेंथ ऑफ़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखना हो तो लॉजिकल बेसिस पे इट इज़ गोइंग बी नॉट मान लो तो तुम्हारे पास इमेज तुम्हार ऑब्जेक्ट uh, यहां पर था लेंस के लिए इमेज यहां पर थी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो ये वाला फॉर्म ये आया तुम्हारे पास वी नॉट ये आ गया तुम्हारे पास यू तो ये वाले केस में लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वुड हैव बीन इक्वल टू पास नॉट की वैल्यू क्या है और यू की वैल्यू क्या है इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम तो देखो फॉर्मूला जितने कम याद रखोगे ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है जितने कम उतना ज्यादा बेटर तो अभी जब तुम ये वाले, वाले क्वेश्चन को सर्च करोगे ना इतने भयंकर भयंकर फॉर्मूला तुम लोगों को दिखेंगे और तुम्हारा मन करेगा छोड़ दो इस टॉपिक को दैट इज द रीजन मेरा एक्सप्लेनेशन सुनोगे बिकॉज बेसिक है सिंपल तुम लोग रूल्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो देखो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू कितनी है तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज वन सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज फाइव सेंटीमीटर ठीक है रिलैक्स आई का मतलब ये होता है कि इमेज जो तुम्हारे पास है फाइनल इमेज तुम्हारी इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है ठीक है तो मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब इमेज तुम्हारी इन्फिनिटी है 45, अभी तुम्हें ट्यूब निकालना है तो हमें अच्छे से लेंथ ऑफ द ट्यूब की वैल्यू क्या आएगी जब तुम्हारे पास इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनती है लेंथ ऑफ द ट्यूब इज गोइंग टू बी गिवन बाई वी नॉट प्लस एफ ई तो एफ ई तो बच्चों तुम्हारे पास है ये देखो एफ ई की वैल्यू तो तुम लोग डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हो तो यहां से तुम्हें पता लगा कि सबसे पहले तुम्हें यू नॉट निकालना पड़ेगा सबसे पहले तुम्हें सॉरी वी नॉट निकालना पड़ेगा लेकिन यार तुम लोगों के पास कुछ है ही नहीं तुम लोगों के पास कुछ है ही नहीं वी नॉट तुम्हें निकालना है एफ नॉट गिवन है बट यू नो यू नॉट तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे कि देखो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास फोर्टी फाइव है ये वाली वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ तो पांच आ जाती है, ये वाली वैल्यू आ गई मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की वैल्यू आ गई नाइन विच कैन बी रिटर्न इज इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट है ना तो यहां से मैं लिख सकती हूँ ना कि मुझे यू नॉट से कोई मतलब नहीं है तो यू नॉट का मैंने एक फॉर्मूला लगा लिया निकाल लिया वी नॉट बाई नाइन अभी इसको तुम लोग में रखो कर दो यहां पर आंसर आ जाएगा तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन मैंने करी हुई है ताकि तुम लोगों का टाइम बच जाए ठीक तो है तो मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी के ऊपर फोर्टी फाइव है ठीक है तो सब अगर मैं आईलैंड की बात करूँ तो आईलेंस की मैग्निफिकेशन फाइव आ गई अभी हमने बात करा मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ से तुम्हारे पास नौ बन गई जहां से तुमने वी नॉट और नॉट के बीच में रिलेशनशिप निकाल लिया अभी तुम लोग इसको बेसिक बेसिक यहाँ पर थिन लेंस फार्मूला में क्या कर रहे हो बेसिक बेसिक थिन लेंस फार्मूला में तुम लोग इसको अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर माइनस आएगा ठीक है यहाँ पर माइनस आएगा ठीक है ये आया तुम्हारे पास माइनस ठीक है यहाँ पर आ गया माइनस ये माइनस में आएगा तो वो प्लस हो जाएगा ठीक है ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए रियल है ना तो नेगेटिव वी नॉट आएगा है ना तो ये वाला बन जाता है वैल्यू दस सेंटीमीटर एफ ई की वैल्यू पांच सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सेंटीमीटर एक और क्वेश्चन करूं इफ इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एम वन एंड एम टू आर दिनियर मैग्फिकेशन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस तो व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप अभी हमने बात की इट विल बी मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई लेंस नेक्स्ट द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 14 सेंटीमीटर ठीक है द मैग्नीफाइंग पावर फॉर द रिलैक्स्ड आई इज 25 तो अगर फोकल लेंथ ऑफ द आइलैंड्स पांच सेंटीमीटर है तो बताओ ऑब्जेक्ट को तुमने कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस एक एक करके डी करते हैं तो लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोर्टीन सेंटीमीटर है रिलैक्स आई के लिए मतलब यहां पर जो तुम्हारे पास इमेज है इमेज कहाँ पर बन रही है इन्फिनिटी के ऊपर तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप जब इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बने इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय वी नॉट प्लस एफ ई है ना एफ ई तुम्हारे पास है हाँ जी एफ ई की वैल्यू तुम्हारे पास बिल्कुल गिवन है पांच सेंटीमीटर तो अभी तुम्हें तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आ गया ना तुम्हारे पास आ गया फोर्टीन इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी नॉट प्लस फाइव वी नॉट की वैल्यू यहीं से नौ आ गई ठीक है वी नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास नौ आ गई अभी आगे ये है कि तुम्हें यू नॉट निकालना है तो अगर तुम वी नॉट से लेके यू नॉट तक जाना चाहते हो तो तुम्हें एफ नॉट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो अभी तुम थोड़ा सा मतलब इधर उधर करके तुम लोग एफ नॉट की वैल्यू निकालोगे तो ये देखिए इसको मैंने ऐसे सॉल्व करा हुआ कि सबसे पहले तुमने मतलब वी नॉट की वैल्यू निकाल ली मैग्निफिकेशन तुम्हारे पास ट्वेंटी फाइव गिवन है तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस निकाल लो ना क्योंकि मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस जब तुम्हारे पास इमेज इन्फिनी के ऊपर बनेगी दैट इज डी डिवाइडेड बाई एफ ई तो वो पाँच आ जाती है तो टोटल मैग्निफिकेशन पच्चीस है आइलैंड्स की वजह से पांच है तो ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से भी पांच होगी तो यहां पर तुम्हारे पास v नॉट और u नॉट के बीच में फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप पता लग जाता है ठीक है और यहां से u नॉट की वैल्यू आ जाती है 1.8 सेंटीमीटर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है इफ दी फोकल लेंथ ऑफ दी ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आइलैंड्स आर इतना एंड इतना ठीक है ऑब्जेक्ट को अगर तुमने इतनी दूरी के ऊपर रखा हुआ है ठीक है और फाइनल इमेज अगर तुम्हारी इन्फिनिटी के ऊपर रख बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की क्या होगी तो देखो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस गिवन है फोकल लेंथ ऑफ लेंस गिवन है

एफई की भी वैल्यू तुम्हारे पास तीन सेंटीमीटर गिवन है यू नॉट की भी वैल्यू तुम्हारे पास वन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर है तुम्हें वी नॉट नहीं पता ठीक है वी नॉट नहीं पता लेकिन तुम्हें यू नॉट पता है तुम्हें तो एफ नॉट पता है तो तुम क्या करोगे थिन लेंस फॉर्मूला लगाओगे वी नॉट निकालोगे सब्सटीट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा तो बिल्कुल एक्जैक्टली exactly यहीं पे यहाँ पर मैंने ये चीज़ की हुई है कि थिन लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास रियल है यहाँ पर भी हमने नेगेटिव क्यों लगाया था एक बार जरा सा देखिए यहाँ पर भी हमने ये नेगेटिव सॉरी यहाँ पर भी हमने ये वाला नेगेटिव क्यों लगाया था क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास रियल था तो यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना तो यहाँ पर हम सब यहाँ पर हम नेगेटिव वन पॉइंट टू फाइव लगाएंगे फॉर द सेम थिंग बी की वैल्यू टीमीटर आ गई तीस सेंटीमीटर को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दोगे टू गेट दी मैग्निफिकेशन एस टू हंड्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्निफिकेशन दैट कैन बी ऑप्टेन विदेक्स लेंस जिसके फोकल है तुम्हारे तो पास ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो अभी कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंपल माइक्रोस्कोप तो मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप बताओ इन्फिनिटी के ऊपर कितना होता है इट इज सिंपली गोइंग टू इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एफ ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय 25 डिवाइडेड बाय 2.5 व्हिच इज इक्वल टू

और इमेज तुम्हारी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो समझो तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू सौ गिवन है ठीक है और मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस की तुम्हारे पास दस गिवन है तो यहीं से आ जाता है कि लेंस की वजह से भी मैग्निफिकेशन तुम्हारे पास कितना हो जाएगा दस हो जाएगा अभी

ठीक है उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू तुम्हारे पास 25 है तो मैग्निफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड है हाँ जी और कुछ इन्फॉर्मेशन uh, नहीं प्रोवाइडेड है ना तो तुम इसको क्या करो इसको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की तरह ट्रीट करो मतलब दिस इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ठीक है तो ये वाली वैल्यू आ गई डी डिवाइडेड बाई एफ ई प्लस वन एक बार जरा सा देखिए तो तुम्हारे पास आ गया इज गोइंग टू बी डी डिवाइडेड आगे प्लस वन फाइव की वैल्यू आ गई डी डिवाइडेड डिडेड की वैल्यू आ आगे ट्वेंटी की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगी एक बार जरा सा देखिए दिस इज अ बच्चो हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही है एफ ई की वैल्यू पाँच सेंटीमीटर आ रही है पाँच सेंटीमीटर का मतलब क्या जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर पांच सेंटीमीटर का मतलब क्या जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर तो ये हो गया तुम्हारे पास माइक्रोस्कोप देखो ये हो गया बच्चों तुम्हारे पास माइक्रोस्कोप है ना अभी चलो टेलीस्कोप के ऊपर तो टेलीस्कोप भी कोई ऐसे भारी भरकम बात नहीं है टेलीस्कोप में बस ये है कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनेटी के ऊपर लोकेटेड होगा ठीक है इन्फिनी के ऊपर लोकेटेड होगा बहुत दूर होगा तो यहां पर जो तुम ऑब्जेक्टिव लेंस को चूज करते हो ना इस ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बहुत ज़्यादा होता है अपर्चर बहुत ज़्यादा होता है मतलब इसका डायमीटर वगैरह बहुत ज़्यादा होता है फॉर दी ओनली रीजन क्योंकि इसको बहुत सारी लाइट रेज गैदर करनी है ताकि एक अच्छी सी इमेज बन सके ना क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम्हारा बहुत दूर है तो लाइट रेस कम आ रही है तो अगर आप ज़्यादा लाइट रेज गैदर करेंगे तो हाई इंटेंसिटी की इमेज बनेगी दैट इज़ द रीज़न ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है इट इज़ गोइंग टू हैव अ लार्जर अपर्चर इट इज़ गोइंग टू हैव अ लार्जर अपर्चर और बच्चों इसकी फोकल लेंथ 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 कम इसके जो जो फोकल फोकल है है वो इसकी, इसकी जो है, वो उसकी इसकी ज्यादा हो फिर बच्चों ये जो तुम्हारे पास है ये तुम्हारे पास आई लेंस हो गया जो तुम्हारी आंखों के पास होगा है ना आंखों के पास होगा इसकी फोकल लेंथ हम लोग छोटी रखते हैं ठीक है इसकी फोकल लेंथ छोटी रखते हैं मतलब इसकी पावर की वैल्यू हम लोग बड़ी रखते हैं ठीक है तो अभी तुम्हारे पास जो आ, ये देखिए लाइट रेज है लाइट रेज मस्त इस तरीके से इन्फिनिटी से आय, के ऊपर आए इन्फिनिटी के ऊपर आए तो ऑब्वियसली बात है जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है उसके ऊपर तुम्हारी इमेज बनेगी अभी ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से जो इमेज है वो आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट uh, होगी अभी ये आई लेंस दोबारा से ध्यान से देखिएगा ये आई लेंस दोबारा से कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा मतलब तुम ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करोगे कि जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से बन रही है इट इज लाइंग बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ध्यान से इट इज लाइंग बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ द आई लेंस तो अभी वर्चुअल इरेक्ट और एनलाज इमेज तुम लोगों को देखने को मिल जाएगी तो मैं यहां पर भी बोल सकती हूँ बच्चों कि जो तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑब्जेक्टिविंग रियल इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस क्या कर रही है एक रियल इमेज बना रही है फिर ये जो तुम्हारे पास आई लेंस है वो एक वर्चुअल इमेज बना रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रही है तो अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट तुम लोगों को बताती हूँ हम सबको पता है मैग्निफिकेशन कैन बी रिटर्न इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेकिन अभी दिक्कत ये है कि ऑब्जेक्ट तो मेरा इन्फिनिटी के ऊपर प्रेजेंट है ठीक है तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिट आना चाहिए सो इन दिस केस रादर देन टेकिंग द एंगुलर डिस्टेंस टू कैलकुलेट द रादर देन टेकिंग द लीनियर डिस्टेंस टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन यू टेक द एंगुलर डिस्टेंस कि ऑब्जेक्ट तुम्हारे इन्फिनिटी के ऊपर था तो अभी मैं जितने भी एंगल्स मेजर कर रही हूँ प्रिंसिपल एक्सिस से ठीक है तो दिस इज गोइंग टू बी एंगुलर दिस इज गोइंग टू बी ऑफ़ द ऑब्जेक्ट ये तुम्हारी इमेज बनी ये इमेज बन रही है ये वाले लेंस uh, की वजह से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस तो ऑब्वियसली बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस के थीटा ओ ऊपर तुम्हारा ऑब्जेक्ट था और थीटा आई एंगल नीचे अब तुम्हारी इमेज है तो मैग्निफिकेशन विल बी गिवन बाय थीटा आई बाई थीटा ओ तो अभी थीटा आई और थीटा ओ का तुम लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझाती हूँ इस टाइम हम कडल करके सो रहे होते हैं ना देखो रुक जाओ ना बस फाइव टू टेन मिनट्स है ना जी एक बार जरा सा देखो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से मैं ये वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूं

अभी पर तुम्हारे पास ये वाला एंगल थीटा ओ मिल रहा था तो ये वाला एंगल भी थीटा ओ मिलेगा मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल तुम्हारे पास थीटा ओ है तो थीटा ओ की वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गई एच डिवाइडेड बाई एफ ओ तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ गई साइन कन्वेंशन का ख्याल रखते हुए अगर साइन कन्वेंशन इंक्लूड करने ठीक है यू ई को लेंस मेकर फॉर्मूला की हेल्प से तुम लोग फोकल लेंथ और वी के टर्म्स में लिख सकते हो सो दिस गिव्स यू द मैग्निफिकेशन फॉर ए टेलीस्कोप तो ये चीज़ तो हमने कंपाउंड uh, माइक्रोस्कोप में भी करी थी ये चीज हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की टर्म्स में भी करी थी कि नीचे u डिस्टेंस आ रहा था तो u डिस्टेंस को तुमने v और f में कन्वर्ट कर दिया था तो दिस इज यू ई the object distance for the islands so object distance of the islands can be written in the terms of image tumhari islands ki wajah se kitne distance ke upar ban rahi hai and what is the focal length of the island so this gives you the formula ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया अभी मान लो अगर तुम्हारे पास ये जो टेलीस्कोप है तुम्हारी लाइट रेज infinity से आ रही है और फिर बाद में image भी मान लो तुम्हारी infinity के ऊपर बन रही है तो ये वाले केस में तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन यहाँ पर ये वाले केस में वी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज दू बन बाई माइनस एफ नॉट बाई एफ मेरे बच्चन माइनस एफ नॉट बा उसी तरीके से मान लो अगर तुम्हारे पास जो इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है तो वी की वैल्यू आ गई डी और ये वाले केस में मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप का फॉर्मूला देखो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा एक बार जरा सा चेक कीजिएगा तुम्हारे पास दिस इज गोइंग टू गिव यू यू दिस विल गिव दूलामूला उसी तरीके से बच्चों अभी अगर मैं लेंथ ऑफ द की बात करूं जब इमेज तुम्हारी इन्फिटी के ऊपर बन रही है तो लाइट रेज आई इंफिनिटी से वो बनी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर ठीक है तो मान लो ये ऑब्जेक्टिव है ये तुम्हारे पास आई लेंस है यहां से भी लाइट रेज इंफिनिटी के ऊपर uh, से आई यहां पर भी लाइट रेज इंफिनिटी तक जा रही है तो जो लाइट रेज आई ऑब्वियसली बात है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी उसी तरीके से ये आई लेंस तुम्हारा क्यों इमेज इन्फिनेटी के ऊपर बना रहा है क्योंकि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इसकी फोकल लेंथ है तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द इज गोइंग टू बी गिवन बाय एफ ओ प्लस एफ ई का मैग्नीट्यूड उसी तरीके से मान लो अगर तुम्हारे पास जो इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है तो लाइट रेज आई तुम्हारे मस्त इन्फिनिटी से तो लाइट आई मस्त इन्फिनिटी से तो ऑब्वियसली बात है फोकल लेंथ ऑफ दी या फिर फोकस ऑफ दी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम्हारी हिट करेंगे ठीक है तो ये तुम्हारे पास ध्यान से देखिएगा यहां पर फोकल लेंथ ऑफ दी ऑब्जेक्टिव के ऊपर हिट कर करके दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई लेंस ठीक है तो दोनों के बीच में व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन देम और व्हाट इज गोइंग टू बी लेंथ ऑफ दस्कोप इन दोनों का सम क्वेश्चन कर लो क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं क्वेश्चन देखिए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस सॉरी रुको क्वेश्चन देखिए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस आर गिवन ठीक है अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है और इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर बताइए मैग्नीफाइंग पावर का मतलब मैग्निफिकेशन तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना देखो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस भी तुम लोगों को दे दिया सॉरी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस भी दे दिया फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस भी दे दिया अभी जब तुम्हारे पास जो इमेज है मान लो इमेज अगर तुम्हारे पास इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तब तो तुम्हारे पास ये ऐसे नॉर्मल फॉर्मूला आ जाता है और जब तुम्हारे पास इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न के ऊपर बनेगी तब तुम्हारे पास फॉर्मूला कैसा आएगा तब तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाता है बच्चों ये, ठीक है सो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो निकाल लोगे जब इसको सॉल्व कर लोगे, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर ये मैग्निफिकेशन आएगा इनफिनिटी के ऊपर ये मैग्निफिकेशन आएगा Next. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंक्रीज द मैग्निफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप तो मैं क्या करना पड़ेगा तो so, देखो मैग्निफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस अगर तुम मैग्निफिकेशन को बढ़ाना चाहते हो इसको इंक्रीज कर दो इसको डिक्रीज कर दो सो आई कैन से फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब एफ नॉट शुड बी ग्रेटर एफ ई शुड बी स्मॉल नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो अभी हमने बात किया है मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या तुम्हारे पास जो इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो इमेज तुम्हारे पास इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ नॉट बाई एफ ई तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई नेगेटिव ऑफ लेट सी

तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ़ आई लेंस बच्चों तुम लोगों से पूछी हुई है ठीक है दो हिंट दिए हुए कि इमेज तुम्हारी इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो हमें अच्छे से पता है कि जब तुम्हारी इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी लेंथ ऑफ दोइन बाई एफ ओ प्लस एफ ई तो एक तो एफ ओ प्लस की वैल्यू तुम लोगों को बीस सेंटीमीटर दे दी दूसरा हिंट मैग्निफिकेशन का दे दिया कि जब तुम्हारे पास इमेज uh, इंफिनिटी के ऊपर बनती है मैग्निफिकेशन मान लो अगर मैं सिर्फ मैग्नेट्यूड की टर्म्स में बात करूं इट इज -E, ये वाली वैल्यू तुम लोगों को नौ दे दी नाउ यू हैव टू टू वेरिएबल्स क्यों नहीं सॉल्व होगा दोनों को एड करने से बीस आ रहा है दोनों को डिवाइड करने से नौ आ रहा है ऑप्शन नंबर ए गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट अचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द इज मेड लार्ज ऐसा क्यों हाँ जी ऐसा क्यों ऐसा इसीलिए ताकि तुम लोग ताकि यहां पर जो तुम्हारे पास इमेज बने वो इमेज इस तरीके की हो कि तुम लोगों को एक शार्क इमेज नजर आए तो आई कैन से ताकि तुम उसके रिजोल्विंग पावर को इनक्रीज कर सको कि आ, किस तरीके से कितने क्लियर इमेज तुम लोगों को टेलीस्कोप दे पा रहे तुम उसको इंक्रीज कर सको लास्ट क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ टेन फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन की वैल्यू दस दे दी ठीक है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप की वैल्यू 44 सेंटीमीटर दे दी तो गिवन नहीं है ना लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे या फिर इन्फिनिटी के ऊपर इन्फिनिटी कंसिडर करके चलोगे तो इन्फिनिटी के ऊपर लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज गिवन बाय दिस इक्वेशन और इन्फिनिटी के ऊपर मैग्निफिकेशन सॉरी मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन तो दोनों को ऐड करने से 44 आ रहा है दोनों को डिवाइड करने से 10 आ रहा है ठीक है तो उसके हिसाब से आई कैन से होनी चाहिए ठीक आई लेंस की फोकल लेंथ चार सेंटीमीटर होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव की पूछी हुई है ऑप्शन नंबर सी गिव्स यू द आंसर ठीक है ये तुम्हारा खत्म बस थोड़ी सी टिप्पणी ना मैं यहां पर करना चाहूंगी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पे भी ठीक है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के ऊपर भी मैं बस थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी ज्यादा नहीं तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप वो होता है जिसकी हेल्प से तुम क्लोजर ऑब्जेक्ट देते हो देखते हो जैसे कि अभी हमने जिस टेलीस्कोप की बात की दैट वॉज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ठीक है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या होता है बिल्कुल सेम चीज होगी बिल्कुल सेम चीज होगी कि वहां पर भी मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी के ऊपर तुम लोगों को ये मिलेगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में भी मैग्निफिकेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर

वट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैन कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सिर्फ तुम्हारे पास दो लेंसेज होती है ठीक है एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक तुम्हारे पास आई लेंस है लेकिन टेरिस्टल टेलीस्कोप में तीन लेंस होती है कि मान लो ये तुम्हारे पास इस तरीके से ऑब्जेक्टिव लेंस आ गई ध्यान से देखना यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस आ गई ये मान लो तुम्हारे पास आई लेंस आ गई इसके बीच में तुम लोग फील्ड लेंस लगाते हो इसके बीच में तुम लोग फील्ड लेंस लगाते हो ठीक है तो ये फील्ड लेंस क्या करेगा ये फील्ड लेंस ये करेगा कि मान लो इसने इमेज बना दी ये वाले पॉइंट के ऊपर सो दिस वुड बी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फील्ड लेंस जिसकी हेल्प से ये इमेज बनाएगा यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फील्ड फील्ड लेंस के ऊपर तो बेसिकली तुम यहाँ पर फील्ड लेंस को का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम्हें इमेज सीधी नजर आए क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में देखो ना फाइनल इमेज तुम्हें प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे मिल रहे ना तो तुम्हें वो उल्टी नजर आ रही है तो तुम फील्ड लेंस लगाते हो इस तरीके से कि जो तुम्हारी इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से है ठीक है वो ऑब्वियसली बात है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर गिरेगी बट दैट इज ऑल्सो दीटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फील्ड लेंस तो अभी हमें अच्छे से पता है जब तुम्हारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हो तो तुम्हारी मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हो जो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जो इमेज ऑब्जेक्टिव के लिए वो फील्ड लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी तो फील्ड लेंस के लिए तुम्हारे पास इमेज होगी ऐसे वो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा और फिर बाद में ये इस इमेज को ऐसे एम्प्लीफाई कर देगा समझे तो यहाँ पर सब लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप में फर्क आता है कि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप में बस एक चीज ऐड कर देना फोर टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द फील्ड लेंस और आई कैन से टू टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फील्ड लेंस बस ये ऐड कर देना लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप में कि uh, अगर मान लो मैं बोलना चाहूँ कि वॉट इज देंथ ऑफ द

प्लस यू ई जैसे नॉर्मली होता है लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास फोर टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द फील्ड लेंस भी आ जाएगा ठीक है गॉट इट क्योंकि बीच में ये फील्ड लेंस इसीलिए ताकि जो तुम्हारे पास इमेज उल्टी है उसको सीधा कर ले और फिर बाद में तुम्हारे पास फाइनल इमेज भी सीधी बने एंड दिस सम्स अप योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आई एम होपिंग ये फोर्टी मिनट्स की क्लास फ्रूटफुल रही होगी क्वेश्चंस की हेल्प से मैं तुम्हें पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ बच्चों ठीक है अभी मिलते हैं कल हम लोग साढ़े ग्यारह बजे मिलते हैं स्प्रिंट लगाएंगे मैग्नेटिक फिजिक्स के ऊपर थैंक यू वेरी मच एवरी वन आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू लाइक दिस सेशन लाइक कीजिएगा इसको शेयर कीजिएगा एंड लीव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन फाइव डेज टू गो गुड लक फॉर योर एग्जाम